हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक विदाउट ओवन के। सो मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है, तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप प्रीमिक्स पाउडर 150 ग्राम और 30 ml हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 120 ml हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और हमें मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और हम इस अच्छे से मिक्स करना है विदाउट लम्स के, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें एकदम स्मूथ बैटर बना लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 6 इंच का टिन और इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो अब ये बैटर हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम 4 to 5 times टैप करेंगे ताकि इसका एयर बबल निकल जाए। और यहाँ पर मैंने लिया है बड़ा सा वेसल और उसमें मैंने 1 inch तक का पानी डाला है और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब मैं उसके ऊपर ये टिन रख दूँगी और ऊपर से मैं फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लूँगी ताकि अंदर से स्टीम बाहर ना आए, और इसके ऊपर मैं लीड लगा देती हूँ। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं स्पॉन्ज रेडी हुआ है कि नहीं। तो मैं इसे अब टूथपिक से चेक करूँगी, अगर ये क्लीन बाहर आता है इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम टिन निकाल लेते हैं और इसे मैं आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और आप चाहे तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं विदाउट वेसल के। अब स्पॉन्ज ठंडा हो चुका है तो अब हम इस पर फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे 2 लेयर में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं। तो अब मैं बोर्ड पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ और ये 1st layer में रख देती हूँ। अब हम इस पर चॉकलेट सिरप लगाएंगे। चॉकलेट सिरप में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, इससे स्पॉन्ज में और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसका फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस पर व्हिप क्रीम लगाएंगे और आप जितना चाहे उतना व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना क्रीम चाहिए, कम या ज़्यादा। और अब मैं इस पर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप, आप चाहे तो इस पर स्ट्रॉबेरी क्रशर भी ऐड कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगी चॉकलेट सिरप और हम इस पर थोड़ा सा चॉकलेट क्रशर भी ऐड करेंगे। अब इस पर 2nd layer रख देंगे और इसके ऊपर का मैं बेकिंग पेपर निकाल लेती हूँ और मैं इस पर चॉकलेट सिरप लगा लेती हूँ। और सेम इसी तरीके से हमें पूरा केक को अच्छे से कोट कर लेना है क्रीम से। आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से। तो मैं इस तरीके से मैं अच्छे से साइड में भी कवर कर लेती हूँ क्रीम से। अब मैं स्क्रैपर की मदद से साइड से पूरा एजेस को हम अच्छे से लेवल कर लेंगे और टॉप में भी ऊपर से हम अच्छे से एजेस को शार्प कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ज़िगज़ैग स्क्रैपर से मैं साइड में डिज़ाइन दे रही हूँ इस तरीके से। और अब मैं साइड के एजेस को क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पर भी मैं ऊपर एज को मैं शार्प कर लेती हूँ। केक के एज पे मैं साइड में चॉकलेट क्रशर लगा रही हूँ। आप जैसा चाहे वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मैंने 1 mm नोज़ल लिया है, उसे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। अच्छे से फिल कर लेंगे चॉकलेट क्रशर को और ये मैं चेरी इस फ्लावर्स के ऊपर लगा लूंगी। सो ये देखिए गाइस, हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक विदाउट ओवन बन के रेडी हो चुका है। तो इसे मैं आपको अभी कट करके बताती हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस बना है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।